नमस्कार दोस्तों शौर्य क्लासेज में आप सभी का स्वागत है मेरा नाम है जतिन दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि संस्कृत व्याकरण की पाठ्य योजना कैसे बनाई जाती है इसकी निर्माण प्रक्रिया क्या होती है और इसमें कौन कौन से सोपान होते हैं और आज का हमारा जो प्रकरण है वो हमने लिया है दीर्घ संधि जो कक्षा आठ के लिए है तो आइए दोस्तों बात करते हैं संस्कृत व्याकरण की पाठ्य योजना के बारे में कि जब भी हम कोई संस्कृत व्याकरण की पाठ्य योजना बनाते हैं या लिखते हैं तो उसमें कौन सी चीजें हमारे लिए सबसे ज्यादा ज़रूरी हैं तो स्टार्टिंग में हमें कुछ सामान्य प्रविष्टियाँ लिखनी होती हैं जैसे विद्यालय का नाम क्या है किस विद्यालय में हम पढ़ाने जा रहे हैं टीचिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं कक्षा कौन सी है उसका वर्ग क्या है कक्षा हमारी आठवीं है ठीक है और दिनांक क्या है जिस दिन आप पढ़ाने जा रहे हैं उस दिन के यहाँ पर दिनांक लिखेंगे दिवस क्या है और विषय क्या है विषय हमने लिया है संस्कृतम व्याकरणम क्योंकि ये संस्कृत व्याकरण की पाठ योजना है इसलिए हम इसको संस्कृत व्याकरण लिखेंगे और उसका कालांश ठीक है और प्रकरण लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि प्रकरण से ही तो पता चलता है कि आपकी पाठ योजना किस विषय की है ठीक है तो दीर्घ संधि हमारा प्रकरण है आज का अवधि लिखेंगे और छात्र अध्यापक और छात्र अध्यापिकाएं अपना नाम और अनुक्रमांक भी लिखेंगे दोस्तों जब हम कोई संस्कृत व्याकरण की पाठ योजना लिखते हैं तो उसका सबसे पहला जो सोपान है वो होता है सामान्य उद्देश्य का सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत संस्कृत व्याकरण से संबंधित कुछ बातें होती हैं देखिए क्या है कि पहला है संस्कृत पदानाम धातु नाम क्रिया नाम चाह शुद्ध रूपेण ज्ञान प्रदान कि संस्कृत पदों का धातुओं का और क्रियाओं का शुद्ध रूप से ज्ञान प्रदान करना फिर है शुद्ध वाक्य रचनाया ज्ञान प्रदानम कि शुद्ध वाक्य रचना का ज्ञान प्रदान करना कि बच्चे इतने काबिल हो सके बच्चों को इतना ज्ञान प्रदान करना कि बच्चे अपने आप शुद्ध वाक्य की रचना कर सकें उसके बाद संस्कृत व्याकरण नियमा नाम परिचय कि संस्कृत व्याकरण के जो नियम हैं उनको बताना बच्चे इससे परिचित हों और छात्र नाम तर्क शक्ति है रचनात्मक प्रवृत्ति विकासा कि छात्रों में तर्क शक्ति रचनात्मक प्रवृत्ति का विकास करना उसके बाद आता है विशिष्ट उद्देश्य का सोपान विशिष्ट उद्देश्य के सोपान के अंतर्गत हम जो बातें लिखते हैं वो हमारी प्रकरण से संबंधित होती हैं जैसे हमने लिया है कि छात्र नाम संधि विषय विशे, विशेष परिचय प्रदान हम की छात्रों को संधि के विषय विशे में विशेष रूप से परिचय प्रदान करना कि बच्चों को संधि क्या होती है अच्छे से पता हो ठीक है फिर जो हमारा प्रकरण है दीर्घ संधि उससे संबंधित क्या है कि दीर्घ संदेह नियम नाम अध्यापनम संदेह शुद्ध कि दीर्घ संधि के नियमों को अध्यापन करना यानी पढ़ाना है हमें पे ठीक है और संधि के शुद्ध रूपों का अभ्यास भी कराना है विशिष्ट उद्देश्य के बाद आता है पूर्वयानम का सोपान इसके अंतर्गत हमें लिखना होता है कि बच्चों का दीर्घ संधि पढ़ने से पहले पूर्व ज्ञान क्या होना चाहिए तो छात्रा स्वर व्यंजन आदि विषय पूर्व परिचिता संति के बच्चे स्वर व्यंजन आदि के विषय से पूर्व परिचित हों ये ऐसा हम अनुमान के अनुसार लिखते हैं कि उनका पूर्व ज्ञान यह होगा उसके बाद आता है सहायक उपकरणानी का सोपान इसमें हम उन चीजों को लिखते हैं जो हमें पढ़ाने के लिए आवश्यक होती हैं जैसे लपेट श्यामपट सुधाखंड मार्जनी संकेतिका इसके अतिरिक्त और भी अगर आपको चीजें चाहिए जैसे पुस्तकम ठीक है तो वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं और चार्ट और फ्लैश कार्ड आदि का भी आप प्रयोग कर सकते हैं और लिख सकते हैं फिर आता है प्रस्तावना का सोपान प्रस्तावना के सोपान में हमें ध्यान रहे कि ज्यादा से ज्यादा तीन से पांच प्रश्न लेने होते हैं ठीक है और ध्यान रहे कि जो अंतिम प्रश्न है वो समस्यात्मक हो ठीक है और इसके साथ ही ये भी ध्यान रखने की जो पहला प्रश्न होगा उसका जो आंसर आएगा उस आंसर से ही दूसरा प्रश्न बनना चाहिए और दूसरे प्रश्न के आंसर से जो तीसरा प्रश्न बनेगा प्रस्तावना के दो बचे हुए प्रश्न हमने दूसरी स्लाइड में लिखे हैं तो आप यहाँ से देख सकते हैं और इसी के साथ हमारा अगला सोपान आता है जिसका नाम है उद्देश्य कथनम का सोपान उद्देश्य कथनम के सोपान में हम उद्देश्य कथन करते हैं कि छात्रा दीर्घ संधि विषय विस्तृत रूपेण पठिश्या और इसी के साथ आता है हमारा प्रस्तुतिकनम का सोपान इसमें हम क्या करते हैं कि छात्र अध्यापक श्याम फल के पंच वाक्यानी लिखती प्रति वाक्यम दीर्घ संधि पदम वर्तते ठीक है यानी इसमें क्या करना है कि या तो आप पाँच वाक्यों को श्याम फलक पर लिखिए या फिर आप चार्ट पर लिख करके लेके जाइए ठीक है जो बच्चों को आप प्रस्तुतिकरण में प्रयोग करवा सकें जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर हमने लिया है उदाहरण क्या है देखिए राम देवालयम गच्छति ठीक है तो यहाँ पर देवालयम क्या है ध्यान दीजिएगा देवालयम में हमने अंडरलाइन किया हुआ है फिर बालक पाठारंभ करो तो पाठारंभ में अंडरलाइन किया हुआ है फिर गुरुपदेश आवश्यक अस्ति तो यहाँ गुरुपदेश शब्द को अंडरलाइन किया है फिर अहम दशमीति कक्षायाम पठा तो यहाँ दशमीति को अंडरलाइन किया है फिर पितृणम ऋणम प्रधानम भक्ति यहाँ पर पितृणम शब्द को अंडरलाइन किया हुआ है तो यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि इन शब्दों को अंडरलाइन क्यों किया है क्यों क्योंकि ये दीर्घ संधि युक्त है ठीक है ये आपको बच्चों को बताना नहीं है ये आपको समझना है ठीक है तो अब आपको प्रस्तुतिकरण में लिखे हुए उदाहरण वाक्यों के साथ आगे बढ़ना है और उनका प्रयोग करना है ठीक है जिस तरीके से यहाँ पर उदाहरण के द्वारा बताया गया है आपको इसी तरीके से ही बच्चों से प्रश्न पूछना है ठीक है यहाँ पर लिखा है ना छात्र छात्राध्यापका प्रश्न पृछति प्रथम वाक्य दीर्घ दीर्घसंधियुक्त शब्द का अस्ती कि प्रथम वाक्य में दीर्घ संधि युक्त शब्द क्या है ठीक है या कौन सा है तो क्या है हमारा प्रथम वाक्य रा देवालय तो उसमें दीर्घ संधि युक्त क्या अंडरलाइन क्या हुआ है देवालयम है ठीक है तो छात्र क्या कहेंगे इति शब्द दीर्घ संधि युक्त अस्त या दीर्घ संधि युक्त है ठीक है फिर आप कहेंगे कि अस्य संधि विच्छेद कुरु ठीक है इस शब्द है जो देवालय इसका संधि विच्छेद कीजिए तो बच्चे बताएंगे छात्रा क्या देवह धन आलयम कि देव जमा आलयम फिर आप पूछेंगे कि प्रथम पद से अंतिम वर्ण का अस्ती कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण कौन सा है तो छात्र बच्चे जवाब देंगे आ इति वर्ण फिर आप पूछेंगे कि अ धन आ मेलन योह का भवती अ जमा आ दीर्घ आ को ठीक है मिलाने से क्या बनता है तो छात्र उत्तर देंगे दीर्घ आ भक्ति की लघु और दीर्घ को मिलाने से दीर्घ आ ही बनता है ठीक है बच्चे ऐसा जवाब देंगे तो फिर आप इसी के अनुसार अन्य उदाहरण भी बच्चों को बताएंगे जैसे एक तो हमारा था देवालयम इसी के साथ क्या बनेगा विद्याधन आलय तो क्या होगा विद्यालय फिर दैत्य धन अरि दैत्य फिर धन इदम अस्थिदम फिर भानुधन उदय भानुदय तो इस तरीके से आप बच्चों को अन्य उदाहरण भी बताएंगे और समझाएंगे कि कहाँ पर दीर्घ पद हुआ है इसलिए उनको दीर्घ संधि कहा जाता है आप यहाँ पर दो अन्य उदाहरणों का भी प्रयोग कर सकते हैं जो यहाँ पर तीसरी स्लाइड में लिखे गए हैं जैसे होत्री धन ऋकार तो क्या बनेगा होत्रिकाराह फिर अध्या धन अपि अध्यापि ठीक है और इसके बाद आता है सामान्य कर्णम का सोपान इसके अंतर्गत क्या है कि छात्र प्रस्तुतानी उदाहरणानी सावधानम निरीक्षणते छात्र जो है जो प्रस्तुत उदाहरण हमने अभी बताए हैं उनको सावधानी पूर्वक क्या करेंगे निरीक्षण करेंगे देखेंगे पहचानेंगे समझेंगे कि यार ये क्या चीजें हैं ये इसमें कैसे हुआ दीर्घ पद कैसे बना तो इसके बारे में सोचेंगे फिर परिवर्तन विषय मन सी चिंतयती जो उनमें परिवर्तन हुआ है उसके विषय में मन में सोचेंगे ठीक है बारम वारम अवलोकम आलोचनती और बार बार देख करके यानी अवलोक यानी देख करके आलोचना करेंगे पूछेंगे आपसे प्रश्न करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ और कैसे हुआ ठीक है और इसके बाद आता है हमारा नियमिकरणम का सोपान नियमिकरणम के सोपान में हम बताएंगे कि क्या नियम है किस तरीके से दीर्घ संधि होती है कौन कौन से इसमें बातें जरूरी होती हैं तो इसमें क्या है कि अभ्यो दीर्घेभ्यो वेति वर्णेभ्य परम वेति स्वरा दीर्घा वर्णा भवंती चेत तयो मेलन दीर्घति यथा अ धन अ आभवती अ धन आ आ भवती आ धन अ आभवती और आ धन आ आ अब इसका मतलब क्या है जान लेते हैं कि यदि अ यानी ये लघु वर्ण है लघु अ ई और री ठीक है हृस्ये भ्यो ये ऋष्य है यानी लघु है और यदि दीर्घ भी हो ठीक है दीर्घ आ दीर्घ ई दीर्घ ऊ और दीर्घ री हो भी हो ठीक है वर्ण्य परम और इनके बाद ठीक है पहले तो ये हैं आदि वर्ण है और आ, उसके बाद क्या है बाद में परम वर्ण दीर्घ आ है ई और री अगर है ठीक है और ये स्वर दीर्घ ठीक है दीर्घ स्वर भी हैं तो इन वर्णों के स्थान पे क्या होगा इन वर्णों के मिलाने से क्या होगा मेलनिन दीर्घ भवती इन वर्णों को मिलाने से दीर्घ वर्ण का यहाँ पर स्थान हो जाएगा जैसे कि लघु अ और लघु अ मिलकर दीर्घ आ बनते हैं फिर लघु अ और दीर्घ आ मिलकर भी दीर्घ आ बनता है फिर दीर्घ आ और लघु आ मिलकर भी दीर्घ आ बनता है फिर दीर्घ आ और दीर्घ आ मिलकर भी दीर्घ आ ही बनता है यानी कि कोई भी वर्ण हम मिलाएंगे तो उसके स्थान पर वो दीर्घ आ ही होगा या दीर्घ ई होगी या दीर्घ ऊ या दीर्घ री होगा ठीक है अब इनके उदाहरण देख लेते हैं श्यामपट सारांश चौपान के अंतर्गत बताया गया है कि कौन कौन से उदाहरणों के स्थान पर या उदाहरणों के द्वारा हम इनका प्रयोग कर सकते हैं जैसे कि लघु ई और लघु ई मिलकर भी दीर्घ ई होता है ठीक है और लघु ई दीर्घ ई मिलकर भी दीर्घ ई होता है और दीर्घ ई और लघु ई मिलकर भी दीर्घ ई होता है तो अब बताने की जरूरत नहीं है आप समझ गए होंगे कि कुछ भी हो जाए लघु ई और दीर्घ ई हो चाहे दीर्घ ई या लघु ई हो कुछ भी हो आ ई इनके स्थान पर कुछ भी हो ठीक है तो वहां पर दीर्घ संधि होगी ही दीर्घ संधि के स्थान पर वो जो वर्ण है वो दीर्घ हो जाएगा तो भाई श्याम भट सार्श के बाद आता है पुनरावितमक प्रश्नों का सोपान अब पुनरावृत्ति के लिए हम यहाँ पर दो से तीन प्रश्न भी पूछ सकते हैं लिख सकते हैं जिससे बच्चों को और भी अच्छे से दीर्घ संधि समझ में आ जाए और इसके बाद आता है हमारा कक्षा कार्य का सोपान यदि आपको लगता है कि आपके पास समय शेष है तो बच्चों को आप एक से दो प्रश्न कक्षा कार्य में प्रयोग के लिए दे सकते हैं जैसे कि यहाँ पर हमने लिया है संधि क्रुता हमने बोला बच्चों को कि संधि कीजिए सिर्फ विद्या धन अर्थी विद्यार्थी मातृधन ऋणम मातृणम वधु धन उत्साह वधु उत्साह ठीक है तो इस तरीके से आप कक्षा कार्य भी दे सकते हैं और इसके बाद आता है हमारा गृह कार्यम का सोपान गृह कार्य के सोपान में भी आप बच्चों के स्तर के अनुसार ठीक है विषय के अनुसार प्रकरण के अनुसार उनको एक से दो प्रश्न गृह कार्य के लिए दे सकते हैं दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें जिससे कि ये वीडियो सभी तक पहुंच सके और हमें आपके लिए ऐसे ही वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें जिससे कि आपको आने वाली वीडियोज के नोटिफिकेशन मिलते रहे धन्यवाद